हेयर मास्क बनाकर तैयार करेंगे। ये हेयर मास्क आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, आपके बालों से डैंड्रफ को हटाएगा और आपके बालों को सिल्की भी करेगा। ये हेयर मास्क आप घर पर बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लेंगे कड़। कड़ आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है जितना आप हेयर मास्क बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कड़ लिया है। आप जितना हेयर मास्क बनाना चाहते हैं उतना आप कड़ ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा कड़ इसमें ऐड कर सकते हैं। कड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये कड़ हमारे बालों को स्मूथ और सिल्की बनाने में हेल्प करता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस और कर्ड हमारे बालों को सिल्की बनाएगा, उसके साथ साथ हमारे बालों से डैंड्रफ को भी हटाएगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है तो ये मास्क आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो भी उनको रोकता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम करता है। डैंड्रफ को हटाने के लिए मैंने इसमें कुछ ऐड किया हो, जैसे कि दही और लेमन। ये बैग आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। इसको आप अपने